Hello everyone, I'm Professor N.B. Chatte, welcomes you all in the 34th lecture of Electrical Measurement subject. So my dear students, we have completed 4 chapters till the last lecture. Now in today's lecture, we are going to discuss about our 5th topic, and the name of the 5th topic is Measuring Instruments. लास्ट क्लास में हमने कुछ एग्जांपल सॉल्व किए थे, ठीक है, जो एनर्जी मीटर कांस्टेंट्स है और हमें परसेंटेज एरर कैसे फाइंड आउट करना है, इसके ऊपर हमने कुछ एग्जांपल सॉल्व किए थे और वहाँ पे अपना 4th चैप्टर खत्म हो गया था. और आज के लेक्चर में हम 5th टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं और 5th टॉपिक का नाम है आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स. तो ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में हमें पहले तो देखना है क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मेजरमेंट्स, ठीक है. रेजिस्टेंस का क्लासिफिकेशन देखना है हमें मेजरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो यहाँ पे रेजिस्टेंस को 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है. फर्स्ट होता है लो रेजिस्टेंस, सेकंड होता है मीडियम रेजिस्टेंस एंड थर्ड होता है आपका हाई रेजिस्टेंस. तो लो रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं, सो ऑल द रेजिस्टेंसेस of the order of 1 ohm or less are classified as low resistances. यानी ऐसे सारे resistance जिसकी value 1 ohm या उससे less है, ऐसे सारे resistance को बोलते हैं low resistance, ठीक है. ज्या resistance ची value ही 1 ohm किंवा त्यापेक्षा less value असेल त्या resistances ला म्हणतो आपण low resistances. सेकंड है आपका टाइप मीडियम रेजिस्टेंसेस. तो इसका डेफिनेशन क्या है, द रेजिस्टेंसेस फ्रॉम 1 ओम ऑनवर्ड्स अप टू 0.1 मेगा ओम आर क्लासिफाइड एज मीडियम रेजिस्टेंसेस. जो रेजिस्टेंसेस की वैल्यू 1 ओम ऑनवर्ड्स होती है, 1 ओम से ज्यादा होती है और वो 0.1 मेगा ओम तक होती है, उसको बोलते हैं मीडियम रेजिस्टेंसेस, ठीक है. ज्या रेजिस्टेंसेस की वैल्यू 1 ओम पेक्षा जास्त असते आणि ती 0.1 मेगा ओहम पर्यंत असते, अशा सगळ्या रेजिस्टेंसेस ला म्हणतो आपण मीडियम रेजिस्टेंसेस. और उसमें थर्ड टाइप है आपका हाई रेजिस्टेंसेस. सो द रेजिस्टेंसेस ऑफ द ऑर्डर ऑफ 0.1 मेगा ओहम एंड हायर आर क्लासिफाइड एज हाई रेजिस्टेंसेस. जो रेजिस्टेंसेस की वैल्यू 0.1 मेगा ओहम से 0.1 मेगा ओहम या फिर उससे ज्यादा होती है, उसको बोलते हैं हाई रेजिस्टेंसेस, ठीक है. ज्या रेजिस्टेंसेस ची वैल्यू ही 0.1 मेगा ओहम किंवा त्यापेक्षा जास्त असते, अशा रेजिस्टेंसला आपण हाय रेजिस्टेंसेस असं म्हणतो, ठीक है. इन युअर मेन एग्जामिनेशन द क्वेश्चन माइट बी आस्क लाइक दिस, क्लासिफाई द रेजिस्टेंसेस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द मेजरमेंट. 2 मार्क के लिए क्वेश्चन बहुत बार आपके मेन एग्जाम में पूछा गया है. तो क्लासिफिकेशन सिर्फ रेजिस्टेंसेस का लिखना है, लो रेजिस्टेंस, मीडियम रेजिस्टेंस एंड हाई रेजिस्टेंस. लो रेजिस्टेंसेस की वैल्यू 1 ओम या फिर उससे लेस होती है, मीडियम रेजिस्टेंसेस की वैल्यू 1 ओम से ज्यादा एंड 0.1 मेगा ओम तक होती है एंड हाई रेजिस्टेंसेस की वैल्यू 0.1 मेगा ओम या फिर उससे ज्यादा हो सकती है. सो दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस. नाउ फॉलोइंग आर द मेथड्स टू मेजर द रेजिस्टेंसेस. रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए हमें यहाँ पे कुछ मेथड्स दिए हैं, वो देखना है. तो पहले तो हम लो रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए कौन कौन से मेथड्स है वो देख लेते हैं. उसमें फर्स्ट है वोल्ट मीटर एमीटर मेथड, सेकंड है आपका केल्विन्स डबल ब्रिज मेथड, थर्ड है आपका ओहम मीटर मेथड, फोर्थ वन है आपका पोटेंशियोमीटर मेथड एंड फिफ्थ वन है आपका डिजिटल एंड एनालॉग मल्टीमीटर मेथड. तो ऐसे 5 मेथड्स है लो रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये मेथड्स यूज किए जाते हैं, ठीक है. समझ ले 5 मेथड्स कुठले कुठले आहेत. लो रेजिस्टेंस ची वैल्यू मेजर करण्यासाठी वोल्ट मीटर एमीटर मेथड यूज करू शकतो आपण, किंवा केल्विन्स डबल ब्रिज मेथड यूज करू शकतो, किंवा ओहम मीटर मेथड आहे, किंवा पोटेन्शियो मीटर मेथड आहे, किंवा डिजिटल अँड अनालॉग मल्टीमीटर मेथड आहे. अशा 5 मेथड आपण यूज करू शकतो. मीडियम रेजिस्टन्सेस ची वैल्यू फाइंड आउट करण्यासाठी आपल्याकडे परत 5 मेथड्स आहेत, त्यामध्ये वोल्ट मीटर एमीटर मेथड ही कॉमन आहे लो रेजिस्टन्स आणि मीडियम रेजिस्टन्सेस साठी,
नंतर दूसरे मेथड है व्हेटस्टोन्स ब्रिज मेथड, थर्ड है आपकी सब्स्टिट्यूशन मेथड, फोर्थ है आपकी कैरी फॉस्टर मेथड, फिफ्थ है आपकी डिजिटल एनालॉग मल्टीमीटर मेथड। तो ये डिजिटल एनालॉग यहाँ पे भी है आपके लो रेजिस्टेंस मेथड में, ठीक है। ये दो कॉमन मेथड्स है, वोल्ट मीटर एमीटर मेथड एंड डिजिटल एंड एनालॉग मल्टीमीटर मेथड, ये दोनों में कॉमन है लो रेजिस्टेंस एंड मीडियम रेजिस्टेंस में। देन थर्ड थर्ड है आपका इंसुलेशन रेजिस्टेंस। इंसुलेशन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए आपके पास फिर से चार मेथड्स हैं। यहाँ पे फर्स्ट है ओम मीटर मेथड, सेकंड है आपकी मेगर, मेगर यूज करके हम इंसुलेशन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। थर्ड है आपका लॉस ऑफ चार्ज मेथड एंड फोर्थ मेथड है आपकी डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मेथड। तो ये चार मेथड यूज करके हम इंसुलेशन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। देन फोर्थ है आपका अर्थ रेजिस्टेंस। अर्थ रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए दो मेथड्स हैं हमारे पास, एक होती है फॉल ऑफ पोटेंशियल मेथड एंड सेकंड होती है आपकी अर्थ टेस्टर मेथड, ठीक है। ये दो मेथड्स यहाँ पे यूज होते हैं, समझ लें। तर हे आहे रेजिस्टेंस, लोअर रेजिस्टेंस, मीडियम रेजिस्टेंस मेजर करने चाहिए मेथड, नंतर इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजर करने चाहिए चार मेथड्स, आणि अर्थ रेजिस्टेंस मेजर करने चाहिए दोन मेथड्स। नाउ विल सी वन बाय वन, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रिजेस देखने हैं अपने को, चार मेन ब्रिजेस हैं अपने पास, ठीक है। तो यहाँ पे केल्विन्स जो ब्रिज है, सो दैट ब्रिज इज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ लो रेजिस्टेंस। लो रेजिस्टेंस की वैल्यू मेजर करने के लिए हम जो ब्रिज यूज करते हैं उसको बोलते हैं केल्विन्स ब्रिज मेथड। सेकंड है आपका व्हेटस्टोन्स ब्रिज। सो दिस ब्रिज इज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ मीडियम रेजिस्टेंस। मीडियम रेजिस्टेंस की वैल्यू मेजर करने के लिए व्हेटस्टोन्स ब्रिज यूज करते हैं। देन थर्ड है आपका मैक्सवेल्स ब्रिज। सो दैट ब्रिज इज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस। इंडक्टेंस की वैल्यू मेजर करने के लिए मैक्सवेल्स ब्रिज यूज होता है। एंड फोर्थ है आपका स्केरिंग ब्रिज। सो दैट ब्रिज इज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटेंस, ठीक है। तो ऐसे चार ब्रिजेस है को अलग अलग वैल्यू यहाँ पे रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस की वैल्यू मेजर करने के लिए चार ब्रिजेस यूज किए हैं, ठीक है। तो उसमें हम जो लो रेजिस्टेंस एंड मीडियम रेजिस्टेंस की वैल्यू मेजर करने के लिए जो मेन मेथड यूज की जाती है वो होती है आपकी वोल्ट मीटर एमीटर मेथड। तो वो क्या है वो पहले हम तो देखेंगे। सो वोल्ट एमीटर वी एंड आई मेथड यानी वोल्ट मीटर एमीटर मेथड। वी यानी वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर वोल्टेज हम मेजर करते हैं, तो वोल्टेज किस पे मेजर करते हैं अपन, वोल्ट मीटर पे। एमीटर, एमीटर यानी आपका करंट है, सो वी आई मेथड बोलते हैं उसको, या फिर वोल्ट मीटर एमीटर मेथड बोलते हैं, ठीक है। तो वोल्ट मीटर एमीटर मेथड में हमें वोल्ट मीटर एंड एमीटर यूज करना है। अपने को मालूम है कि एमीटर कभी भी हम कनेक्ट करते वक्त सीरीज में कनेक्ट करते हैं, और वोल्ट मीटर अभी हम कभी भी कनेक्ट करते वक्त पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। ये तो हमें ऑलरेडी देखा है, ये कंसेप्ट अब सारे स्टूडेंट्स का क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तर नाव कशामुळे दिलेलं आहे तिला वोल्ट मीटर एमीटर मेथड, कारण यामध्ये आपल्याला एक वोल्ट मीटर आणि एक एमीटर यूज करायचं आहे। हे वोल्ट मीटर आहे आपण इथं पॅरल मध्ये कनेक्ट केलेलं आहे, ठीक आहे, आणि हे एमीटर आहे आपण हे सिरीज मध्ये कनेक्ट केलेलं आहे। या हा बॅटरी सोर्स आहे आपला, ठीक आहे, त्याच्या अक्रॉसचं वोल्टेज व्ही असणार आहे। इथे एक रेजिस्टन्स पॅरल मध्ये टाकलेला आहे वोल्ट मीटरच्या, आणि या एमीटर मधून जो करंट फ्लो होईल तो डिनोट केला इथं आय न, आणि या वोल्ट मीटर मध्ये जो वोल्टेज मेजर करू दॅट इज डिनोटेड बाय व्ही इयर। तर इथं एमीटर आणि वोल्ट मीटर कनेक्ट केलेलं आहे म्हणून त्याला व्ही आय मेथड नाव दिलेलं आहे, किंवा वोल्ट मीटर एमीटर मेथड असं नाव दिलेलं आहे। ही मेथड आपण लो आणि मीडियम रेजिस्टन्स मेजर करण्यासाठी कॉमनली यूज करतो, ठीक आहे। अभी इसके एक्सप्लेनेशन में क्या पॉइंट्स ये देखो। इन दिस मेथड यूज सुटेबल सोर्स एमीटर एंड वोल्ट मीटर एंड कनेक्ट देम एज शोन इन द अबव फिगर। ये मेथड में क्या करना है, हमें एक सुटेबल सोर्स यूज करना है, ये सोर्स रहेगा आपका, देन एमीटर यूज करना है, ये एमीटर है आपका और ये वोल्ट मीटर है आपका, और उनको ऐसे ये सर्किट डायग्राम में जैसे कनेक्ट किया है वैसे हमें कनेक्ट करना है, यानी
वोल्ट मीटर पैरेलल में कनेक्ट करना है और एमीटर सीरीज में कनेक्ट करना है। नाउ टेक रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर एंड एमीटर, वहां पे हमें वोल्ट मीटर एंड एमीटर की रीडिंग लेनी है, एंड देन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर, और उसके बाद हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी आती है। एक बार हमने एमीटर एंड वोल्ट मीटर की रीडिंग वहां पे ली तो हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी आती है। उसका फॉर्मूला ओहम्स लॉ जैसा, ओहम्स लॉ है कि आर इज इक्वल टू वी बाय आई लिखते हैं अपन, वी बाय आई, तो ये फॉर्मूले से अपन इजीली वहां पे रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। सो टू मिनिमाइज द एरर टेक 4 to 5 ऑब्जर्वेशन फॉर द सेम रेजिस्टेंस। यहाँ पे एरर मिनिमाइज करने के लिए हमें 4 से 5 ऑब्जर्वेशन लेने होते हैं सेम रेजिस्टेंस के लिए, एंड टेक देयर एवरेज, मानी नंतर त्याचं एवरेज घेतलं जातं। ठीक आहे, म्हणजे 1 किंवा 2 रीडिंग घेण्याच्या ऐवजी आपण 4 किंवा 5 रीडिंग घ्यायच्या तिथं सेम रेजिस्टन्सेस साठी, आणि त्याचं एवरेज घ्यायचं आहे जेणेकरून आपल्याला तिथला एरर मिनिमाइज करता येईल। क्लिअर आहे? सो दिस इज दिस व्हेरी सिम्पल मेथड टू मेजर दी लो अँड मिडियम रेजिस्टन्स व्हॅल्यू। क्लिअर आहे? समज में आया? कुछ डाउट है इसमें? नाउ नेक्स्ट मेथड है अपनी मेजरमेंट ऑफ अननोन रेजिस्टेंस बाय यूजिंग केल्विन्स डबल ब्रिज मेथड। तो केल्विन्स डबल ब्रिज मेथड से हम रेजिस्टेंस की वैल्यू मेजर कर सकते हैं, अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू। इसके लिए ये ब्रिज दिखाया है यहाँ पे, केल्विन्स डबल ब्रिज बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है आपका, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, ये आपका ई पॉइंट है और आपका एफ पॉइंट है। ये ई एंड एफ पॉइंट में यहाँ पे एक स्विच कनेक्ट किया है और एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया है। ठीक है, देन जो अननोन रेजिस्टेंस है आपका वो हम ए एंड बी टर्मिनल्स में कनेक्ट करने वाले हैं। इट इज डिनोटेड बाय एक्स, ये आपका अननोन रेजिस्टेंस है। ये कैपिटल पी है, ये कैपिटल क्यू है, ये स्मॉल पी है, ये स्मॉल क्यू है। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंसेस है अलग अलग। ठीक है, ये बी एंड सी में हम आर आर से डिनोट किया है यहाँ पे रेजिस्टेंस, देन सी एंड डी में हमने एस से डिनोट किया है, और यहाँ पे एक रियोस्टेट कनेक्ट किया है हमने, उसके यहाँ पे एक बैटरी सोर्स भी कनेक्ट किया है, और ये एमीटर कनेक्ट किया है यहाँ पे डीसी। ठीक है, समझ में आया? तो ये सिंपल डायग्राम है आपकी केल्विन्स डबल ब्रिज के लिए। ठीक है, अभी इसका एक्सप्लेनेशन, इसका डेरिवेशन कैसे डिराइव करना है रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए वो देखेंगे। सो हियर केल्विन ब्रिज इज द मॉडिफिकेशन ऑफ व्हेटस्टोन्स ब्रिज। केल्विन ब्रिज जो होता है वो मॉडिफिकेशन होता है व्हेटस्टोन्स ब्रिज का। सो इट इज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ लो रेजिस्टेंस, ये यूज किया जाता है। केल्विन्स डबल ब्रिज मेथड इज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ लो रेजिस्टेंस वैल्यू, राइट? और ये किसका मॉडिफिकेशन है? व्हेटस्टोन्स ब्रिज का। समझ लो केल्विन्स ब्रिज, हाँ ये मॉडिफिकेशन है व्हेटस्टोन्स ब्रिज का, जे अपन पुढे पाहणार आहे व्हेटस्टोन्स ब्रिज। आणि हा केल्विन्स डबल ब्रिज यूज करतो आपण लो रेजिस्टन्सची वैल्यू मेजर करण्यासाठी। आता वरच्या डायग्राम मध्ये तुम्हाला दिसतंय एक्स इज द अननोन रेजिस्टन्स, सो हियर एक्स इज द अननोन रेजिस्टन्स, देन एक्स एस इज द स्टैंडर्ड रेजिस्टन्स। यहाँ पे दिख रहा है आपको ये एस है आपका स्टैंडर्ड रेजिस्टन्स है, ये अननोन रेजिस्टन्स है। देन कैपिटल पी, कैपिटल क्यू, स्मॉल पी एंड स्मॉल क्यू आर दी आर नोन एज नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंसेस, वन पेयर ऑफ विच आर अवेलेबल। ये रेजिस्टेंसेस के वैल्यू है आपके नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंसेस की, यानी कैपिटल पी, कैपिटल क्यू, स्मॉल पी एंड स्मॉल क्यू। यहाँ पे दिख रहा है आपको कैपिटल पी, कैपिटल क्यू, स्मॉल पी एंड स्मॉल क्यू, ये नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंसेस है आपके, वन पेयर ऑफ विच आर अवेलेबल। इसकी एक पेयर यहाँ पे अवेलेबल है अपने पास। सो सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर जी इज कनेक्टेड, यहाँ पे आपको एक गैल्वेनोमीटर भी कनेक्ट किया हुआ दिख रहा है, ये गैल्वेनोमीटर है, एक सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया है वहां पे, एंड द टू पी बाय क्यू इज केप्ट सेम एज पी बाय क्यू। दिस रेशियो बीइंग वैरीड गैल्वेनोमीटर रीड्स जीरो। ठीक है, यहाँ पे जो दो पी है, पी बाय क्यू इज केप्ट एज पी बाय क्यू, यानी कैपिटल पी बाय क्यू ये सेम रखना है जैसा आपका स्मॉल पी बाय क्यू का रेशियो रहेगा वैसे सेम रखना है, और गैल्वेनोमीटर
रेशो बीइंग वेरिड, ये रेशो को वेरी करके हमें वहां पे गैलोनोमीटर, ये रेशो वेरी करके वहां पे गैलोनोमीटर ने और जो वैल्यू रीड की है वो कितनी होनी चाहिए आपके, जीरो। ठीक है, ऐसे तरीके से हमें कैपिटल पी बाई क्यू एंड स्मॉल पी बाई क्यू ये दोनों का रेशो वेरी करके हमें गैलोनोमीटर की वैल्यू ऐसे वेरी करनी है कि वहां पे हमें वैल्यू उसकी रीड करते वक्त वो जीरो कर करे। ठीक है, तो ऐसे तरीके से उसका एडजस्टमेंट करनी है आपने अपने को। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट यह है, इन बैलेंस पोजिशन द करंट इन द ब्रिजेस एज फॉलोज। बैलेंस पोजिशन में जो करंट फ्लो होता है आपके ब्रिज में से वो कैसे होता है वो देखेंगे। सो अप्लाइंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ यानी केवीएल टू द लूप ई एफ बी ए ई, अभी ई एफ बी ए ई लूप कहाँ पे है आपका ये देखेंगे पहले तो डायग्राम में। तो ये है आपका ई, ये है एफ बी ए एंड ई, ये आपका क्लोज लूप है यहाँ पे। तो ये क्लोज लूप में आपको केवीएल अप्लाई करना है। ठीक है, ये क्लोज लूप में आपको केवीएल अप्लाई करना है। तो ये लूप में से करंट कौन सा फ्लो हो रहा है आपका, आई वन, यहाँ पे दिखाया है वो आई वन। ठीक है, तो आई वन फ्लो हो रहा है तो उसकी वजह से इक्वेशन क्या लिख सकते हैं अपन, आई वन पी, आई वन पी यानी ये है, ये आई वन कैपिटल पी है, आई वन पी देन माइनस आई टू पी। ठीक है, इसमें ये स्मॉल पी से कौन सा करंट फ्लो हो रहा है आपका, आई टू। ठीक है, ये आई टू, सो माइनस आई टू पी माइनस आई इंटू एक्स इज इक्वल टू जीरो, माइनस आई इंटू ये एक्स में से कौन सा करंट फ्लो हो रहा है आपका, आई, सो माइनस आई इंटू एक्स इज इक्वल टू जीरो, इक्वेट किया हमने जीरो से तो इक्वेशन मिल गया आई वन पी माइनस आई टू स्मॉल पी माइनस आई इंटू एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो इससे माइनस आई एक्स इज इक्वल टू इक्वेशन क्या लिख सकते हैं अपन, माइनस आई वन पी इधर जाएगा राइट साइड है तो ये माइनस बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव था यहाँ पे हम निगेटिव लिया, और ये यहाँ पे निगेटिव था यहाँ पे क्या हो जाएगा बन जाएगा आपको पॉजिटिव बन जाएगा। सो माइनस आई वन एक्स इज इक्वल टू माइनस आई वन पी प्लस आई टू पी। सो आई वन एक्स का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, आई वन पी माइनस आई टू स्मॉल पी। सो दिस इज इक्वेशन नंबर वन। ठीक है, तो ये आपका केवीएल अप्लाई किया हमने ई एफ बी ए ई लूप को। नाउ अप्लाई द केवीएल यानी किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ फॉर द लूप ई डी सी एफ ई। ई डी सी एफ ई कहाँ पे है अभी वो देखेंगे लूप। सो ये है आपका ई, ये है डी सी एफ एंड ई, ये लूप में अभी केवीएल अप्लाई करना है आपको। तो इसका इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं देखो, सो आई वन क्यू, आई वन क्यू कहाँ पे है, ये है आपका, ये क्यू में से आई वन करंट फ्लो हो रहा है, सो आई वन क्यू देन नेक्स्ट है आपका माइनस आई टू क्यू, आई टू क्यू ये क्यू में से आपका आई टू करंट फ्लो हो रहा है सो माइनस आई टू क्यू लिखा, देन माइनस आई इंटू एस, एस में से कौन सा करंट फ्लो हो रहा है आपका, ये आई, सो माइनस आई इंटू एस दैट इज इक्वेटेड टू जीरो। जैसे हमने ऊपर का इक्वेशन लिखा था वैसे ही सेम इक्वेशन यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ से माइनस आई एस का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, ये इधर जाने के बाद माइनस बन जाएगा और ये माइनस प्लस बन जाएगा, सो माइनस आई वन क्यू प्लस आई टू क्यू। सो आई एस का वैल्यू क्या निकलेगा यहाँ से, आई वन क्यू माइनस आई टू क्यू दैट इज इक्वेशन नंबर सेकंड। तो यहाँ पे दो इक्वेशन मिले अपने को दो लूप को केवीएल अप्लाई करके। नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर वन एंड वन बाय इक्वेशन नंबर टू, इक्वेशन वन को डिवाइड करना है आपको इक्वेशन टू से। तो इक्वेशन क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, आई एक्स डिवाइडेड बाय आई एस इज इक्वल टू आई वन कैपिटल पी माइनस आई टू स्मॉल पी डिवाइडेड बाय आई वन कैपिटल क्यू माइनस आई टू स्मॉल क्यू। सो यहाँ पे आई आई गेट्स कैंसिल हो जाएगा, सो एक्स बाय एस इज इक्वल टू इक्वेशन क्या मिलेगा सेम, आई वन पी कैपिटल पी माइनस आई टू स्मॉल पी डिवाइडेड बाय आई वन कैपिटल क्यू माइनस आई टू स्मॉल क्यू। आता याच्यावरून तुम्ही पी पी बाय क्यू इज इक्वल टू स्मॉल पी बाय क्यू कितलं होतं आपण बॅलन्स कंडिशन मध्ये, ठीक आहे, कॅपिटल पी बाय क्यू इज इक्वल टू काय ठेवायचं आपल्याला बॅलन्स कंडिशन मध्ये, हा रेशो इक्वल ठेवायचा आहे, सो पी बाय क्यू कॅपिटल पी बाय क्यू इज इक्वल टू स्मॉल पी बाय क्यू। ठीक आहे, तो
त्यामुळे इथं आपण पी इन ब्रॅकेट आय वन मायनस स्मॉल पी बाय कॅपिटल पी इंटू आय टू घेतलं, डिवायडेड बाय क्यू कॉमन घेतलं, त्यावरून आय वन राहिला इथं. सो आय वन मायनस स्मॉल क्यू डिवायडेड बाय कॅपिटल क्यू इंटू आय टू, जसं वरती लिहिलं तसं सेम लिहिलं इथं पण डिनॉमिनेटर. आणि मग पी बाय क्यू एक्स बाय एस इज इक्वल टू काय लिहिलं आपण, पी बाय क्यू, कॅपिटल पी बाय क्यू. ठीक आहे, नाउ याच्यावरून अननोन रेजिस्टन्स कसा कॅल्क्युलेट करता येईल. मग आपल्याला अननोन रेजिस्टन्स म्हणजे एक्स आहे आपला, सो एक्स ची व्हॅल्यू कशी कॅल्क्युलेट केली आपण, हा एस इकडे गेला, हा डिनॉमिनेटर इकडे गेल्यानंतर मल्टिप्लिकेशन मध्ये जाईल, सो एस इंटू पी बाय क्यू ओहम. सो फ्रॉम धिस फॉर्म्युला वी कॅन इझिली कॅल्क्युलेट दी अननोन रेजिस्टन्स. अननोन रेजिस्टन्सची व्हॅल्यू आपण या फॉर्म्युल्यावरून इझिली डिटरमाइन करू शकतो किंवा कॅल्क्युलेट करू शकतो. ठीक आहे, समजलं काही डाऊट याच्यामध्ये? फक्त हे दोन लूपचे जे इक्वेशन घेतले आपण ते व्यवस्थित घ्या, जेणेकरून तुम्हाला हा फॉर्म्युला फायनल फॉर्म्युला डिराईव्ह करता येईल. ठीक आहे, नाउ याच्यावरचं एक एक्झाम्पल सॉल्व्ह करू आपण. सो केल्विन्स डबल ब्रिज मेथड वरचं, त्यामध्ये फर्स्ट एक्झाम्पल दिलंय पहा. इन अ केल्विन डबल ब्रिज इच ऑफ द रेशो आर्म्स कॅपिटल पी स्मॉल क्यू स्मॉल पी स्मॉल क्यू इज इक्वल टू 1000 ओहम. या सगळ्यांची व्हॅल्यू दिली आपल्याला 1000 ओहम. द ब्रिज इज बॅलेन्स्ड, ब्रिज हा बॅलेन्स्ड आहे आपला. वेन द स्टँडर्ड रेजिस्टन्स एस इज इक्वल टू 0.001 ओहम, इथल्या स्टँडर्ड रेजिस्टन्सची व्हॅल्यू दिली आपल्याला 0.001 ओहम. अँड डिटरमाइन दी व्हॅल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टन्स, अननोन रेजिस्टन्सची व्हॅल्यू डिटरमाइन करायला सांगितलं. इव्हन डेटा मध्ये काय काय दिलं आपल्याला ते लिहून घेतलं आपण, पी क्यू च्या व्हॅल्यू दिलेल्या आहेत 1000 ओहम, आणि स्टँडर्ड रेजिस्टन्सची व्हॅल्यू दिली आपल्याला 0.001 ओहम. सो ऍट बॅलेन्स कंडिशन आपण को फॉर्म्युला मारून मालूम आहे क्या होता है, अननोन रेजिस्टन्स एक्स इज इक्वल टू एस इंटू पी बाय क्यू. ये फॉर्मूला लिखा था आपने, डिराइव किया अभी यहाँ पे. तो एक्स की बजाय यहाँ पे रेजिस्टेंस निकालना है हमने, अननोन रेजिस्टेंस आर. तो एस की वैल्यू कितनी है, 0.001 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 1000, सो आर की वैल्यू कितनी मिलेगी अपने को, 0.001 ओहम. क्लियर है? तो ऐसा सिंपल एग्जांपल आपको सॉल्व करता या करना आना चाहिए. ठीक है, तो ये है आपका केल्विन्स डबल ब्रिज मेथड टू फाइंड आउट द अननोन रेजिस्टेंस. क्लियर है, ये डाउट है इसमें? Now we'll see the Wheatstone's bridge. दूसरा ब्रिज है अपना Wheatstone's bridge. तो Wheatstone's bridge में यहाँ पे एक बैटरी सोर्स कनेक्ट किया है. ठीक है, और ये Wheatstone's bridge में चार रेजिस्टेंसेस कनेक्ट किए हैं, R1, R2, R3 एंड R4. यहाँ पे करंट की डायरेक्शन I1 की ऐसी है, I1, ये I2, ये I3 एंड ये I4. तो Wheatstone's bridge कैसे है उसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे वो देखेंगे हम. और यहाँ पे ये गैलोनोमीटर भी कनेक्ट किया है ये दो टर्मिनल्स में, ये भी ध्यान में रखो. सो व्हेन द ब्रिज इज बैलेंस कंडीशन, इज इन बैलेंस कंडीशन, नो करंट फ्लोज थ्रू द गैलोनोमीटर. जब आपका ब्रिज बैलेंस कंडीशन में रहेगा तब आपके गैलोनोमीटर से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा. सो वी ऑब्टेन वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R1 एंड R2 इज इक्वल. जो वोल्टेज ड्रॉप होता है अपने R1 आणि R2 रेजिस्टन्सच्या अक्रॉस मध्ये ते इक्वल असणार आहेत, म्हणून I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2 फॉर्म्युला लिहू शकतो आपण. आणि सेम I3 आणि R3 आणि R4 रेजिस्टन्सच्या अक्रॉस मध्ये जो व्होल्टेज ड्रॉप होईल आपला तो सुद्धा इक्वल असणार आहे, म्हणून तिथे इक्वेशन लिहू शकतो आपण I3 R3 इज इक्वल टू I4 R4. तो ये दो इक्वेशन मिळ गए आपल्याला. ठीक आहे, सो इन दिस पॉइंट ऑफ बॅलेन्स वी ऑल्सो ऑब्टेन I1 इज इक्वल टू I3. I1 की वैल्यू I3 के इक्वल में होगी क्योंकि ये दोनों की डायरेक्शन सेम दिखाई है यहाँ पे. सो I1 इज इक्वल टू I3 लिख सकते हैं अपन, एंड I2 इज इक्वल टू I4 लिख सकते हैं अपन. ये I2 एंड I4 की डायरेक्शन इक्वल है. ठीक है, नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट इक्वेशन 1 एंड 2 डिवाइड कर गए हैं. सो I1 R1 डिवाइडेड बाय I3 R3 इज इक्वल टू I2 R2 डिवाइडेड बाय I4 R4. तो यहां से
आई वन आई थ्री इक्वल है तो ये कैंसिल हो जाएगा आपका, और आई टू एंड आई फोर इक्वल है तो ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आर वन बाय आर थ्री इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या मिलेगा अपने को, आर टू बाय आर फोर। ठीक है, तो ये फाइनल फॉर्मूला मिल गया आपको। और वेटस्टोन्स ब्रिज हम क्यों यूज करते हैं, ये मीडियम रेजिस्टेंसेस की वैल्यू मेजर करने के लिए हम वेटस्टोन्स ब्रिज यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला एंड ये डायग्राम को 2 मार्क्स होते हैं आपके मेन एग्जाम में, कभी कभी क्वेश्चंस पूछते हैं हाउ वी विल यूज द वेटस्टोन्स ब्रिज टू फाइंड द मीडियम रेजिस्टेंस। ठीक है, मीडियम रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए वेटस्टोन्स ब्रिज हम कैसे यूज करते हैं, उसका डेरिवेशन डिराइव करो बोल के क्वेश्चन आता है। तो 2 मार्क डायग्राम के लिए होते हैं और यहाँ पे 2 मार्क आपको इक्वेशन डिराइव करने के लिए होते हैं। ऐसे 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आपके मेन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसके ऊपर का भी हम एग्जाम्पल सॉल्व करके देखेंगे। तो इसमें क्या दिया है देखो, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू बैलेंस द ब्रिज। ब्रिज बैलेंस करने के लिए वहां पे जो वैल्यू लगती है अपने को रेजिस्टेंस की, वो हमें डिटरमाइन करनी है। इफ द 3 आर्म्स ऑफ द वेटस्टोन्स ब्रिज आर हैविंग रेजिस्टेंसेस ऑफ 50 ओम, 100 ओम, 150 ओम रिस्पेक्टिवली। जो 3 आर्म्स दिए है वेटस्टोन्स ब्रिज के, उसके रेजिस्टेंसेस की वैल्यू दी है यहाँ पे, यानी पी की वैल्यू दी है 50, यू की वैल्यू दी है 100 एंड एस की वैल्यू दी है 150। तो यहाँ पे आर का फॉर्मूला क्या है अपना, पी बाय क्यू इंटू एस, तो इससे 50 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 150, तो आर की वैल्यू कितनी मिलेगा आपको, 75। ठीक है, तो ऐसे सिंपल एग्जांपल पूछते हैं आपको। दूसरा एग्जांपल देखते हैं अपन वेटस्टोन्स ब्रिज का। इफ द आर्म्स ऑफ द वेटस्टोन्स ब्रिज आर हैविंग रेजिस्टेंसेस ऑफ 5 किलो ओम, 10 किलो ओम एंड 15 किलो ओम रिस्पेक्टिवली, यानी पी की वैल्यू है 5, क्यू की वैल्यू है 10 एंड एस की वैल्यू दिया है 15, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू बैलेंस द ब्रिज। रेजिस्टेंस ची वैल्यू आपल्याला जी रिक्वायर्ड आहे बॅलेन्स करण्यासाठी ब्रिजला, ती वैल्यू काढायची आहे। रेजिस्टन्सचा फॉर्म्युला तोच आहे, पी बाय क्यू इंटू एस, तर पी किती दिला आहे 5 डिवाइडेड बाय, क्यू ची वैल्यू दिली 10 इंटू एस ची वैल्यू दिली 15, याच्यावरून आर ची वैल्यू किती मिळेल आपल्याला, 7.5 किलो ओम। तर अशा टाईपचे एक्झाम्पल्स सुद्धा तुम्हाला 2-2 मार्कांसाठी मेन एक्झाम मध्ये विचारले जाऊ शकतो। ठीक आहे, तर या 3 मेथड्स आजच्या लेक्चर मध्ये आपण पाहिलं, त्यामध्ये पहिली पाहिली आपण व्होल्ट मीटर अमीटर मेथड, सेकंड देखा हमने केल्विन्स डबल ब्रिज मेथड एंड थर्ड देखा हमने वेटस्टोन्स ब्रिज मेथड। ठीक है, सो ये तीनों मेथड में किसी को डाउट्स है तो आप मुझे कभी भी पूछ सकते हैं। ठीक है, सो वी विल स्टॉप हियर, विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर अगेन, और थैंक यू वेरी मच।